रेडमी 7। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेडमी 7 की, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। इंडिया में फिलहाल में तो रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 प्रो लॉन्च हुए, जिसकी प्राइस स्टार्टिंग 10,000 से रेडमी नोट 7 की, और बहुत ही अच्छे फ़ोन है क्योंकि कम प्राइस में बहुत ही बढ़िया फीचर्स और स्पेक्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपका बजट 10,000 से भी कम में है, आप सोच रहे कि एमआई का ही फ़ोन खरीदना है या फिर एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन खरीदना है लेकिन प्राइस और थोड़ी कम होनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि Redmi 7 भी जल्द आ रहा है। Redmi 7 में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स और स्पेक्स है और प्राइस भी कम है, तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है सिर्फ 7,000 रुपये से स्टार्टिंग है और बहुत ही बढ़िया ये फ़ोन होने वाला है। तो क्या कुछ मिलेगा इस Redmi 7 में, क्या क्या वेरियंट होंगे, क्या प्राइस पॉइंट के ऊपर आने वाला है, कब तक आएगा, सब बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी एक कम प्राइस में, कम बजट में, आपका बजट कम है और एक अच्छा बढ़िया फ़ोन खरीदना चाहते हैं जो कि पावरफुल हो, स्मार्ट हो और दिखने में भी बहुत अच्छा हो, तो मेरे हिसाब से MI का Redmi 7 बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बताएंगे आपको क्या क्या मिलेगा इस 7 में, Redmi 7 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो Redmi 7 में आपको कुल 3 वेरिएंट मिलेंगे, जो कि है 2 GB रैम, 16 GB जिसकी प्राइस है 7,000 से स्टार्टिंग, 3/32 की प्राइस है 8,000 और 4/64 की प्राइस है 10,000 से लेकर 10,500 के बीच में। लेकिन मैं पर्सनली आपको जो 3/32 और 2/16 है वही रिकमेंड करूँगा, 4/64 रिकमेंड नहीं करूँगा। इसकी प्राइस 10,500 के आसपास है क्योंकि आपको 10,000 में Redmi नोट 7 मिल रहा है जो कि Redmi 7 से बढ़िया है। लेकिन अगर जो 7,000 वाला और जो 8,000 वेरिएंट है वो बहुत ही पावर एफिशिएंट है, पावरफुल है और बजट प्राइस में अच्छे फीचर्स दे रहा है, तो मेरे हिसाब से 2 वेरिएंट आपके लिए अच्छे हैं जिनकी प्राइस सेगमेंट जो कि बजट कम हो। तो अगर आप बात करते हैं इन फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, तो Redmi 7 में जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन 632, जो कि इस प्राइस रेंज में देना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि Xiaomi जो देता है वो और कोई नहीं देता है, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। तो 632 मिलता है आपको, ये 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, ये 1.8 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस प्राइस में 7,000 और 8,000 के प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 632 मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, पावरफुल है। इसमें आप पबजी भी अच्छी तरह से खेल सकते हो, असफाल 8 जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम भी आप अच्छी तरह से खेल सकते हो, पावर एफिशिएंट है और पावरफुल भी है। तो मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 632 इस प्राइस सेगमेंट में कोई और कंपनी फिलहाल तो नहीं दे रही है, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और पबजी और असफाल्ट 8 और 9 जैसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम भी आप इसमें अच्छी तरह से खेल सकोगे। अगर बात करते हैं कुछ एक साल पहले, तो आपको नोट 5 प्रो में स्नैपड्रैगन 636 मिल रहा था जो कि 14 से 15,000 के प्राइस सेगमेंट में था, और आपको आज आधे से भी कम कीमत में 7,000 में आपको स्नैपड्रैगन 632 मिल रहा है जो कि 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है। तो मेरे हिसाब से प्राइस बहुत कम हो रही है और नए नए स्पेक्स और फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है, कुछ नई नई कंपनी है, Asus है, Realme है, Honor है, और ये सभी कंपनियाँ हर महीने कुछ नए नए फीचर्स, कुछ नए नए इनोवेशन के साथ में फ़ोन लॉन्च करती है और कम प्राइस में अच्छे अच्छे स्पेक्स और फीचर्स देती है क्योंकि उन्हें अपने कस्टमर्स को लुभाना होता है, उनके फ़ोन बिकना चाहिए, इसे कम प्राइस में बहुत नए नए फीचर्स, स्पेक्स और कुछ नई नई बातें वो अपने फ़ोन में इन्वॉल्व करती है। तो कंपनी खुद का फ़ायदा तो देखती है लेकिन इसके साथ साथ हमारा भी फ़ायदा होता है क्योंकि कम प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स, स्पेक्स वाले फ़ोन हमें बहुत अच्छी कीमत पे, यानी कम कीमत में फ़ोन हमें मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 632 बहुत बढ़िया है इस प्राइस सेगमेंट में, तो बहुत बढ़िया ये फ़ोन होने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की, तो बैटरी भी बड़ी दी गई है, 4000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि बहुत बड़ी है इस प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि अब तक जो कि कम प्राइस सेगमेंट वाले मोबाइल थे उनमें 3000 mAh की बैटरी होती है, लेकिन इस बार आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, 4000 mAh की बैटरी आपको मिलती है सीधे सीधे इस फ़ोन के अंदर। अब अगर बात करते हैं इसके फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें है या नहीं, क्योंकि Redmi Note 7 और Pro में तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। जो चार्जर है वो आपको नॉर्मल 10 वाट का चार्जर है, जो कि सेम Redmi Note 7 और Pro में भी आपको सेम नॉर्मल ही चार्जर था, वही सेम चार्जर इसमें रहेगा, तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलता। प्राइस के हिसाब से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बैटरी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छा पावर एफिशिएंट है, तो मेरे हिसाब से बैटरी आपको बहुत अच्छी चलने वाली है। तो 2 प्लस पॉइंट आपको मिल गए। अब तीसरा प्लस पॉइंट है जो कि इसका एक बहुत ही बड़ा पॉइंट हो सकता है, जैसे कि इसमें जो डिस्प्ले है वो है इसमें आपको 6.26 इंच का HD+ डिस्प्ले, जो कि आपको ड्रॉप नॉच, यानी कि Xiaomi के जो Redmi Note 7 Pro में आपको यू शेप वाला वाटर नॉच ड्रॉप मिलता है, सेम वही ड्रॉप नॉच इसमें आपको देखने मिलता है, और गोरिल्ला ग्लास कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास फाइव की प्रोडक्शन आपको इसमें फ्रंट में देखने मिलती है। तो इतने सब ऑसम फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, तो और क्या चाहिए, HD+ की डिस्प्ले, फुल HD+ नहीं है, तो HD+ भी बहुत ही सुपीरियर होती क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत बढ़िया है,
जैसे आपने देखा होगा रेडमी नोट 7 आपने यूज़ किया होगा या फिर प्रो, तो उसमें भी जो फुल एचडी स्क्रीन है वो बिल्कुल ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले को भी टक्कर देती है। तो इसमें भी वही सेम पैनल है, सिर्फ उसको आपको एचडी डिस्प्ले दिया हुआ है, तो बस कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सुपीरियर डिस्प्ले इसका भी होने वाला है। और ग्लास 5 की प्रोडक्शन है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन में आपको मिलती है। अब बिल्ड की बात करते हैं तो इसमें जो बिल्ड है बहुत अच्छी है, लेकिन जो बैक साइड है जो ग्लास की डिज़ाइन थी, आपको ग्लास मिल रहा था नोट 7 और प्रो में, तो इसमें आपको प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन पॉलीकार्बोनेट बहुत अच्छा है, चीप लेवल का नहीं है। और साथ ही में इसमें आपको जो डिज़ाइन है, जो कलर्स है, वो ग्रेडियंट यानी कि ड्यूअल टोन कलर रहेंगे। इसमें आपको 3 कलर मिलने वाले हैं, ब्लैक कलर रहेगा, रेड कलर रहेगा और ब्लू कलर रहेगा, तो ये ग्रेडियंट कलर में आपको मिलेंगे, तो दिखने में बहुत ही अच्छे दिखने वाले ये फ़ोन। तो मेरे हिसाब से कलर और बिल्ड के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से ये फ़ोन बढ़िया होने वाला है। अब बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा में भी कोई तो अब बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा भी बढ़िया दिया हुआ है, 12+2 रियर में आपको 12 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल के दो रियर कैमरा मिलते हैं। जो 12 मेगापिक्सल कैमरा है उसका अपर्चर 2.2 का है, और जो 2 मेगापिक्सल कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए काम में आता है। और जो फ्रंट में आपको सेल्फी मिलती है वो 8 मेगापिक्सल की मिलती है, जिसका अपर्चर f2.2 का है, तो थोड़ा अपर्चर ज़्यादा है मेरे हिसाब से, थोड़ा कम होना चाहिए था, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखिए कोई कंप्लेन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इतना कुछ दे रहा है यार, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, जो कि और कोई कंपनी नहीं देती। और एक प्लस पॉइंट इस फ़ोन का कि इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया जाता है, यानी कि आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो, जो कि आपको ये कौन सा रेडमी नोट 7 और प्रो में, इसमें हाइब्रिड था, लेकिन इसमें रेडमी 7 में आपको 2 सिम 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो अगर आप 2 GB RAM 16 GB वाला वेरियंट भी लेते हो, तो आप इंटरनल स्टोरेज जो है वो आप बढ़ा सकते हो मेमोरी कार्ड लगा करके, लेकिन आप 3/32 लेते हो तो आपको अच्छी खासी मेमोरी मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से 3/32 वाला वेरिएंट आपके लिए बेस्ट रह सकता है। इसमें आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, साथ ही में फेस अनलॉक मिल जाता है, और इसमें आपको सभी तरह के सेंसर्स भी मिल जाते हैं। इसमें एंड्रॉयड सिस्टम की बात करते हैं तो एंड्रॉयड पाई के ऊपर ये रन करता है, और MIUI 10 जो कि युवा है वो लेटेस्ट है MIUI 10 के ऊपर ये रन करता है। तो और क्या चाहिए, इतनी सब चीज़ें आपको मिलती है, और कुछ इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं है, कुछ कमी मुझे नहीं लगती। तो 7000 के सेगमेंट में और 8000 के सेगमेंट में इतने सब कुछ मिल रहा है आपको, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका बजट 10000 से कम है, तो बेनिफिट यह है आपको कि इस फ़ोन में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, वो भर भर के, क्योंकि 7000 में अगर आपको बजट है तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट फ़ोन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लेना है कोई फ़ोन, तो वेट कीजिए इस फ़ोन का। यही था आज की वीडियो में रेडमी 7 को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपकी क्या कमेंट है, आपको क्या लगता है कि रेडमी 7 आने के बाद में क्या ये सच में एक अच्छा फ़ोन हो सकता है, क्या आप इस फ़ोन को खरीदेंगे या किसी को रिकमेंड भी करेंगे? अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या सुझाव है, क्या सवाल है, हम आपके कमेंट का ज़रूर इंतजार करेंगे, उसके जवाब भी देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।